हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। तो आज जो है टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो मैं लेकर के आया हूँ वो इंग्लिश का है। जो 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को रहता है उसमें से 50 नंबर का बनाना है, जो 50 में 50 आप लोग बना सकते हैं। हर साल इस सेट से आप लोगों को मैं बताता हूँ गारंटी के साथ कि 25 नंबर का हर साल एकदम पूछ लेता है। लगभग इसमें से 40 नंबर का इस बार पूछने की संभावना अधिक से अधिक है। तो चलिए इस बार जो है बमबमा देना है, एकदम गर्दा छुड़ा देना है। तो देखिए हमारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर देख रहा है। ए पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है? कह रहा है ए पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है? तो वह एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है प्यारलाल? एक शॉर्ट स्टोरी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, मतलब भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बने, पद पर कब आए डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो वो आए थे हमारे डियर स्टूडेंट एकदम राइट आंसर 1967 में, यानी कि 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारलाल? भारत इज माई होम इज रिटन बाई, तो ये किसने लिखा? भारत इज माई होम किसने लिखा, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंडियन सिविलाइजेशन इज, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है क्या है, सो पूछा है। तो वो है हमारे पेरेंट बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, मतलब भारतीय सभ्यता जो है भगवान पर भरोसा करता है। नेक्स्ट, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 से 1948, तो ये महात्मा गांधी के लिए था। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे, 1948 में मर गए थे महात्मा गांधी। तो यानी कि जैसे ही देगा तो वो गांधी जी मार देना है। नेक्स्ट हमारे प्यारे, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक एक लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। हुज लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, मतलब क्या कर रहा है? हुज लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, मतलब कौन सा लैंग्वेज है जो हम लोगों का नेटिव लैंग्वेज है नहीं है? तो वो है हमारे डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया सभी का एकदम शानदार आंसर इंग्लिश। नेक्स्ट, ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज रिटन बाय, ए पिंच ऑफ स्नॉफ किसने लिखा? तो ए पिंच ऑफ स्नॉफ जो किसने लिखा है प्यारे सेंट, वो लिखे थे मनोहर मालगोनकर। कौन मालगोनकर प्यारलाल? तो मनोहर मालगोनकर। कौन मालगोनकर? मनोहर मालगोनकर। नेक्स्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, सो पूछा है। तो वो द यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। नेक्स्ट, 69 के, हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, मतलब गांधी जी से कौन है जो प्रेरित हुए थे, तो गांधी जी से कौन है जो प्रेरित हुए थे, सो क्वेश्चन में कह रहा है। तो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्योंकि ये भी कलुआ थे, गांधी जी भी कलुआ थे, दक्षिण अफ्रीका के ये थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी इंडियन थे, और ये जब अमेरिका में गए थे ना, इंग्लैंड में गए थे, तो इंग्लैंड में ट्रेन में से दोनों आदमी को फेंक दिया था, इसलिए दोनों आदमी प्रभावित थे एक दूसरे से। नेक्स्ट क्या कह रहा है प्यारे सर, इफ़ अमेरिका बिकॉम्स ए ग्रेट नेशन इट मस्ट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी कि अमेरिका में जो है क्या चीज़ के प्रॉब्लम से मतलब कि सता रहा है सभी को, तो वो है नेग्रोज को। किसको? नेग्रोज को। याद रखना है, जब भी कहेगा वहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में, अमेरिका के बारे में, ठीक है ना, नेशन के बारे में, तो वहाँ पर नेग्रोज मारना है, ठीक है ना, फार्मर नहीं मारना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फार्मर मार देते हैं। 71 में, हु वाज ए फिलोसफर हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, यानी कि तीनों के तीनों कौन थे, फिलोसफर भी, और ना कहता है फिलोसफी झाड़ने आया है, कहता है ना हिस्टोरियन मतलब राजनीति करने आया है, मैथमेटिशियन मतलब कि बड़का मतलब आर्यभट्ट हो गया है। तो बताइए ये कौन थे तीनों आदमी, ये तीनों आदमी के, तीनों आदमी के गुण किस में? बर्ट्रेंड रसेल में था, बर्ट्रेंड रसेल में। यदि हमारे प्यारे लाल, अगर आप लोग चाहते हैं कि 2024 परीक्षा में अगर, या कभी भी देख रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं तो आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ कि इंग्लिश में 90+ नंबर, 95 तक मैं गारंटी लूँगा हिंदी और इंग्लिश में, केवल हिंदी और इंग्लिश में, ऑल सब्जेक्ट में मैं गारंटी लूँगा 90 का। लेकिन ये दो इंग्लिश जो सब्जेक्ट में मैं 90 या 95 के बीच में मैं गारंटी लूँगा। अगर आप लोग को PDF नोट्स लेना है और 450+ नंबर लाना है अगर हर सब्जेक्ट में, जैसे पिछले बार 461 नंबर लाया था मेरा ऑनलाइन पढ़ करके स्टूडेंट, यदि आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग जरूर आप लोग PDF नोट्स परचेस कीजिए। और एक वन सब्जेक्ट का 99 रुपया, ऑल सब्जेक्ट का 299 रुपया पेमेंट है। यदि आप लोगों को लेना है तो मेरा ये नंबर रहा 90 97 0 20 615, गारंटी के साथ 100% एकदम 450 नंबर झुकेगा नहीं। और 5 देखिए इसका मिलेगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और साथ में 5 प्रैक्टिस सेट, सभी चीज़ों का अलग अलग आप लोगों को मिलेगा, A to Z चीज़ मिलेगा, कोई भी चीज़ में कमी नहीं, एकदम 100% एकदम आएगा, सो ही दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, सीगा नोया बिलोंग टू हुच कंट्री ए सेंचुरी, मतलब सीगा नोया जो है कौन सा सेंचुरी से मतलब गुजरे हैं, तो कौन सा सेंचुरी से गुजरे हैं, तो वो 20वीं सेंचुरी से, यानी कि 20th
सेंचुरी, 20वीं शताब्दी होता है, सेंचुरी में तो शताब्दी से सीगानोया। सीगानोया इज ए राइटर। सीगानोया जो है कहाँ के राइटर थे, तो सीगानोया जो है वो जापानीज राइटर थे, कहाँ के, जापान के। नेक्स्ट, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटेन बाय, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन गिरियर प्यारलाल, जर्मन गिरियर जर गया, गिर गया, चाइल्ड इज बॉर्न, वो हमारे प्यारलाल, प्यारलाल समझ में आ रहा है ना एकदम एकदम। नेक्स्ट हमारे प्यारे, कहीं पर भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। डोरोथी एल सियर्स सेज डैट द सेज डैट प्रेस इज फ्री डॉट 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 एवरी वे फ्री, कि सम हुए कि नो हेयर, कि ए एट मोस्ट प्लेस सेज। तो प्यारे स्टूडेंट 75 का आप लोग का एकदम राइट आंसर है, क्या है, एवरी हेयर। देखिए डोरोथी एल सियर्स जो कहे थे कि प्रेस में जो है फ्री रहेगा कौन, तो एवरी हेयर, मतलब सब रहेगा फ्री, कोई 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 नहीं रोक सकता है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस डोरोथी एल सियर्स, हाउ फ्री इज द प्रेस डोरोथी एल सियर्स, याद रखने का प्यारेलाल, प्यारेलाल, प्यारेलाल। और आप लोगों को पूरा पूरा इंग्लिश की तैयारी करना है 100% एकदम, समझ रहे ना, तो एकदम मैं बता दिया, वही कीजिए। अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक द इंडियन पीपुल आर डीपली, द इंडियन पीपुल आर डीपली, मतलब इंडियन पीपुल जो है पर्ल एस बक के अनुसार क्या चीज़ में, मतलब कि जो डीपली रहते हैं यानी कि विश्वास करते हैं, तो हमारे पेरेंट वो लोग विश्वास करते, यानी कि हम लोग रिलीजियस में यानी कि धार्मिक में विश्वास करते हैं। भारत के आदमी अपने धर्म के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, समझबे करते हैं हमारे प्यारेलाल, सभी लोग हमारे प्यारेलाल है, सब लोग समझबे करते। महात्मा गांधी वाज नॉट डॉट डॉट ऑफ मटेरियल प्रोग्रेसेज ऑफ द बेस्ट, मतलब क्या प्यारेलाल, तो क्या चीज़ के बारे में महात्मा गांधी ने कहे थे कि प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, प्रोग्रेस जो है नहीं कर रहा है। तो 78 का आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा प्लीज, यानी कि प्लीज मतलब कृपया। नेक्स्ट, हु वाज लोमोव, लोमोव कौन था, लोमोव जो था प्यारेलाल, लोमोव जो था वो था ए लैंड ऑनर, यानी कि भूमि के दलाल, लैंड ऑनर मतलब भूमि के दलाल। नेक्स्ट, लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव जो है किससे शादी करना पसंद करेगा, मतलब चाहता था किससे शादी करना चाहता था, तो वो नतालिया से, लोमोव जो है नतालिया से विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि लोमोव को नतालिया से प्यार हो गया था। नेक्स्ट, जॉन डॉन इज ए डॉट डॉट पोएट, जॉन डॉन एक कैसे कवि है, तो जॉन डॉन जो है वो मेटाफिजिकल कवि है। प्यारेलाल कहीं पर अगर समस्या गंभीर होता है तो आप लोग उस समस्या को हमको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और कहीं पर भी बोर फील होता है तो उसको आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिए, और एक एक लाइक करना है तो जरूर कीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटर्न बाय, ए प्यारेलाल, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटर्न बाय, कौन प्यारेलाल, कौन, द जॉन डॉन, कौन, द जॉन डॉन, वाह रे हमारे प्यारेलाल, ऐसे ही धुआं छूटता है एग्जाम हॉल में, ऐसे ही। नेक्स्ट, वाल्ट व्हिटमैन इज डॉट डॉट ईयर ओल्ड, मतलब वाल्ट व्हिटमैन कितने उम्र के थे, वाल्ट व्हिटमैन जो है प्यारेलाल कितने उम्र के थे, तो वो 37 के, मैं 37 उम्र के, कौन प्यारेलाल, तो मैं कौन, तो वाल्ट व्हिटमैन प्यारेलाल, वाल्ट व्हिटमैन, द लायन, ठीक है, द लाइन एंड द प्रॉम्प्ट्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, इफ फ्रॉम, मतलब ये कौन सा मतलब पाठ के जो है लाइन है, एंड द प्रोग्राम्स गो रोलिंग ऑन, ये कौन सा पाठ के, इसको आप लोग एकदम सेम टू सेम याद करेंगे, सेम टू सेम एकदम याद करके रखेंगे, क्या, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, हम समझ रहे हैं रोलिंग, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रोलिंग याद रखना है। नेक्स्ट, द लीव्स आर फॉलिंग, क्या हो जाएगा आप लोग पढ़ जाइए, लीव्स आर फॉलिंग, फॉलिंग क्या, फास्ट के स्लो, दोनों में से कमेंट बॉक्स में कमेंट, ए प्यारेलाल, प्यारेलाल कमेंट कीजिए, पहले कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग, हाँ बहुत बढ़िया कमेंट किए, बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करते रहिए, मैं आप लोग को जवाब देते रहता हूँ कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। क्या करा, थिंक नोट ऑफ देम आउट थाउ हैज, ठीक है ना, थाई म्यूजिक टू इज फ्रॉम, मतलब कौन सा चैप्टर से ये लिया गया है, तो देखिए थिंक फ्रॉम कह रहा है ना, थिंक फ्रॉम, थिंक नोट ऑफ द देम, ठीक है ना, ऑफ देम थाउ हैस्ट थाई म्यूजिक टू, अच्छा म्यूजिक टू लग गया है, जैसे ही म्यूजिक टू आप लोग को एक बुक में दिखेगा, टू ऑटम और टू ऑटम, म्यूजिक टू तो और टू ऑटम, म्यूजिक टू तो और टू ऑटम याद रखेंगे। डॉट डॉट वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, मतलब कौन ऐसे है जो सबसे ज़्यादा महान थे प्रकृति से प्यार करने वाले, कौन है, तो वो है हमारे प्यारेलाल जॉन कीट्स, कीड़ा मकोड़ा को देखभाल करने वाला, कीट्स, कीट्स मतलब नेचर का लवर, नेचर का लवर प्यारेलाल, नेचर का लवर कीट्स याद रखना, नेचर का लवर कौन, तो किड्स। नेक्स्ट, क्या कर रहा है, द लाइन, तो ये लाइन क्या है, तो आई थिंक द वाज, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इफॉर्म,
तो क्या हो जाएगा, तो आयन पिताप, क्या पेरलाल, आयन पिताप, ऑप्शन नंबर डी। जो जो ऑप्शन नंबर डी की हो, अब की बार हमारे फेरलाल एकदम 95 पार उठेगी। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, द टीचर हु कॉट सेवई प्लेइंग विथ ग्राउंड, तो बताइए क्या कर रहा है, सेवई जो है ग्राउंड में क्या पकड़ता था टीचर के द्वारा कहने पर, तो वो जो था वो पकड़ता था हमारे प्यारलाल, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्या कर, पनिश हिम, मतलब उसे पकड़ रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाउ मैनी वार सोनेट डिड ब्रूक राइट, डिड ब्रूक राइट, बताइए कौन सा, कितने, तो 5 की 6, कितने, मैनी मतलब कितने, बताइए हाउ मैनी मतलब कितने, 5 ब्रूक राइट की 7 की 6 बताइए। तो हमारे डियर स्टूडेंट सभी का राइट आया है, जो जो किए 5 वाला एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिससेरीज ऑफ .. तो मिससेरीज ऑफ .. क्या हो जाएगा, तो वार प्यारलाल वार। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ही इज ब्रोकेन, ठीक है ना, ही इज ब्रोकेन एवरी हुमैन लव इज फ्रॉम, तो मतलब कह रहा है ब्रोकेन जो है कौन सा, मतलब एवरी होयर मतलब एवरी हुमैन कह रहा है ना, मतलब प्रत्येक जो है व्यक्ति जो है कौन सा लॉ का पालन करेगा, तोड़ेगा, तो बताइए आप लोग, तो एकदम राइट आंसर आप लोग का आ गया है, मैकेबिटी इज द माई स्टेरी कैट, मैकेबिटी इज द माई स्टेरी कैट में लिखा गया है। नेक्स्ट, द पोएट कंपेयर्स मैकेबिटी टू, तो देखिए एक पोएट जो है कंपेयर्स करता है मैकेबिटी टू को किससे, तो वो मैकेबिटी टू को कंपेयर्स करता है हमारे प्यारे स्टूडेंट वो नेपोलियन से, क्या चीज़ के, नेपोलियन से। नेक्स्ट हमारे डियर स्टूडेंट, यदि आप लोगों को मैं फिर एक बार दोबारा मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं 100% अगर आप लोग चाहते हैं कि 90+95 तक अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश मिलाने के लिए, तो मेरा ये नंबर है 90-97-0-20-615। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप लोगों ने ये PDF नोट्स ले लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग को एग्जाम हॉल में गर्दा हो जाने वाला है, ठीक है ना एकदम। और ऑल सब्जेक्ट का 299 रुपये और 1 सब्जेक्ट का 99 रुपये अगर लेना है तो ले सकते हो, गारंटी के साथ, 450 नंबर नहीं आया तो समझिए गए, चलिए टक्कर नहीं दिया तो समझिए गए। नेक्स्ट क्या कराए, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द .. यानी कि यहाँ पर देखिए चिल्ड्रेन का जो है लुक जो है आफ्टर बाय द किसके अनुसार चलता है, तो वो चलता है होल फैमिली के अनुसार, मतलब किसी के फैमिली के साथ, नेक्स्ट सभी के फैमिली के साथ। फायर हाइमन इज रिटेन बाय, देखिए फायर होकर आता है कौन, तो दारू पी करके, दारू वाला कौन फायर होगा, तो दारू पीने वाला, कौन फायर होगा प्यारलाल, तो दारू पीने वाला। नेक्स्ट, द पोएट इज फील्ड विथ प्रोटेस्ट बिकॉज, यानी कि जो पोएट जो है किसके मतलब कि विदाउट जो है प्रोटेस्ट करता है यानी कि आंदोलन करता है, तो वो जो है हमारे प्यारे स्टूडेंट, ही डजंट वांट द स्नेक टू गो, मतलब स्नेक जब तक नहीं चल जाएगा तब तक। नेक्स्ट क्या कर रहा है, हु डिसाइडेड टू हिट द स्नेक, बताइए हिट द स्नेक किसने किया, स्नेक पर प्रहार किसने किया, 97 का एकदम DH लॉरेंस, देखिए नागिन डांस DH लॉरेंस एकदम याद रखेंगे प्यारल, क्या नागिन डांस DH लॉरेंस, ऐसे करके याद करेंगे ना तुरंत याद हो जाएगा, एगो सॉन्ग आके। नेक्स्ट, दैट ओ मैन डेड द हाउस विद्रू इन टू साइलेंस इज फ्रॉम, बताइए साइलेंस इज फ्रॉम, बताइए फटाफट, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द डैट ओमैन किसमें ओमैन है, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस में है ना प्यारलाल, हाँ ओमैन। नेक्स्ट क्या कर रहा है, आगे देखिए क्या कर रहा है 99 में, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, 99 का आप लोग करेक्ट करेंगे तो 99 का हो जाएगा टू फैक्टर्स। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार एकदम भीड़ लगा लेना है, हु आर नोन एज द इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स, देखिए क्या कर रहा है, नोन एज द इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स, मतलब कौन है जो इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश है राइटर्स है, तो वो है सलमान रश्दी और BS नैपुल, सलमान रश्दी और BS नैपुल। आप लोगों को यदि फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी लेना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, आप लोगों को एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होता है हर एक साल, ये सभी जानकारी मैं दूंगा, कैसे एडमिट कार्ड, कौन कौन सा छात्र छात्राओं का नहीं फॉर्म भराएगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा।
को एडमिट कार्ड के लिए आप लोग क्या करना है, आ जाना है आप लोगों को, या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कोई भी चीज़ या मार्कशीट कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप लोग जानकारी लेना है तो आ जाना गूगल या क्रोम पर। यहाँ से सभी चीज़ों का PDF नोट्स भी डाउनलोड होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग को सर्च करना है, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ से पोल भी दीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा, तब ब्लू के कलर पर रहता है उसी पर टिप देना है। टिपने के बाद आप लोग क्या करना है, हमारे डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इस पर आप लोग एक बार क्लिक कर लेंगे जिससे डाउनलोड करने में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ से IAS 12th में पूरा का पूरा एकदम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब चीज़ दिया हुआ है, यानी कि पूरा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी कहिए सबसे इम्पोर्टेंट इसी में मिलेगा आप लोगों को। और उसके बाद यहाँ मिलेगा डेली टेस्ट, यहाँ से आकर के दीजिए आप लोग। न्यू अपडेट में आप लोग को न्यूज मिलेगा, जैसा कि न्यू अपडेट हम लोग खोल करके बता देते हैं। जैसे न्यू अपडेट हम लोग खोलेंगे तो आप लोग देखेंगे हमारे प्यारे एजेंट, ऊपर की ओर करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा सबसे ऊपर में ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, परीक्षा फॉर्म, अप्लाई डेट, कोई भी चीज़ के बारे में, या 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा 2024 में, या 50 ऑब्जेक्टिव या 60 ऑब्जेक्टिव, पूरा जानकारी टोटल डिटेल आप लोग को यहाँ से मिल जाने वाला है। कहीं पर भी आप लोग को सोचना नहीं, एकदम डायरेक्ट चले आना है गूगल या क्रोम पर, सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार यहाँ पर। यदि आप लोग को PDF नोट्स लेना है 5 प्रैक्टिस सेट के साथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोगों के लिए मैं नंबर देता हूँ, अगर लेना है तो ले सकते हैं 9097020615, ठीक है ना, यही है आप लोगों को नंबर 9097020615। चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।